अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। आज जुमेरात 14 जनवरी 2021। दफ्तर के कामों से थोड़ी सी जो दफ्तर की मसरूफियत से थोड़ी सी फरागत मिली तो निकल पड़ा सुबह बच्चों के साथ, ताकि वो भी कुछ खुश हो जाए, हम भी कुछ रिलैक्स हो जाए। पेशावर मोटरवे से हम तकरीबन इंटर हुए 8:15 बजे। रास्ते में जैसे ही 4 सदा के करीब पहुँचे तो शदीद धुंध, साइडों में तो आप देख रहे हैं मेन रोड पर भी जो है ना काफ़ी अच्छी खासी धुंध थी, लेकिन चूंकि सुबह सवेरे का वक्त था, वर्किंग डे था, तो रश ना होने के बराबर थी। बहरहाल हम खुरामा खुरामा होते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा रहे, और उसके बाद हम तकरीबन 1 घंटे के मुसाफिर के बाद हम पहुंच गए, और 1 घंटे में तकरीबन हम पहुंच गए हज़ारा एक्सप्रेसवे के एंट्रेंस पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सजाद अमान, आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। हम सुबह तकरीबन 8 बजे निकले थे पेशावर से, तो अभी तकरीबन कोई 9:45 बजे हैं, और अभी हम हैं हज़ारा एक्सप्रेसवे पे। फैमिली के साथ ट्रिप में एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि आपको खाने पीने की फ़िक्र नहीं होती। अभी हम रास्ते में रुके थे थोड़ी देर के लिए, तो ये गरम गरम चाय जो है ना, जो घर से ही बनवा के लाए थे, वो भी मिल गई, तो थोड़ा सा चाय का लुत्फ लेते हैं। फुजैल, ये पकौड़ा रोड़ा, तो अभी थोड़ा सा एक पकौड़ा खाते हैं, काफ़ी मज़े के हैं, घर के ही बने हुए, तो उसके बाद जो है ना फिर निकलते हैं। रखे बहुत ही मज़े के हैं, सामने ही धूप है, मतलब सूरज सामने से है, तो शायद लाइटिंग का थोड़ा कोई मसला हो, लेकिन उम्मीद है इतना मसला नहीं होगा। चाय ख़त्म हुई तो अब अपना सफ़र करते हैं दोबारा शुरू। ये हमारे ज़फ़र भाई हैं जो हमारे साथ छः ना इस सफ़र में, बल्कि हमारे गाइड भी हैं, और यही हमें सारा छः ना मतलब यहाँ पेशावर से लाए हैं। अभी अब्ताबाद, नथिया गली, अयूब या पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाएंगे। तो चले जी, रवानगी के लिए फिर से तैयार हो गए, तो आए हमारे पास। अभी हम ज़फ़र भाई से बात कर रहे थे हज़ारा एक्सप्रेसवे के मुतालिक, तो इन्होंने बताया कि अभी जो हज़ारा एक्सप्रेसवे है, जब आप मोटरवे से इंटर होते हैं हज़ारा एक्सप्रेसवे पे, तो ये रोड तकरीबन मनसेहरा थाकोट तक अभी आप जा सकते हैं, मतलब थाकोट में फिर आप हज़ारा एक्सप्रेसवे को एग्ज़िट करेंगे, और अभी फर्दर नेक्स्ट जो फेज़ है उस पर भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, काम जारी है, तो उसमें फिर जो है ना मतलब जो आप जब आप अगर कोई भी टूरिस्ट जो है ना मतलब जो गिलगित या बल्तिस्तान साइड पर जाता है, तो उनके लिए जो है ना ये रास्ता मज़ीद कम हो जाएगा, इसलिए कि पहले हम आते थे हसन अब्दाल, हसन अब्दाल से फिर जो है ना हरिपुर और हवेलियाँ और ये, तो उसमें जो है ना कम अज़ कम हमें पेशावर से एबटाबाद तक 4 घंटे तकरीबन लग जाते हैं, इसी तरह तो अभी जो है ना पेशावर से मेरे ख्याल एबटाबाद में कितने घंटे, 2 घंटे में आप पहुँच जाते हैं, अगर आप मतलब ये कि कंटिन्यूसली मतलब ड्राइव कर रहे हैं एबटाबाद से, फिर वहाँ से जो है ना ये सुजुकी कैरी डब्बा जो है ना ये मिलती हैं, तो वो कैरी डब्बे में जो है ना आप फिर आगे नथियत गली तक जा सकते हैं। तो उनका कितना किराया था, 100-200 रुपये में ख्याल होता है, 200 रुपये पर हेड है। हाँ, तो एबटाबाद से नथिया गली अगर आप जाते हैं, वो तकरीबन आपसे 200 रुपये पर हेड चार्ज करते हैं, और पेशावर से ये तकरीबन न्याजी वगैरह ये कितने, 450 पर हेड है एबटाबाद। अच्छा, न्याजी एक्सप्रेस पेशावर से अगर न्याजी एक्सप्रेस का मतलब हमें पता, लेकिन सब का इसी तरह होगा, तो 450 पर हेड जो है ना आपको पेशावर से ये एबटाबाद तक जो है ना मतलब पहुंचा देते हैं, एबटाबाद से फिर आप जो है ना फर्दर, लेकिन न्याजी एक्सप्रेस मेरे ख्याल बेहतर इस वजह से है कि जब न्याजी एक्सप्रेस जहाँ पर आपको मेरे ख्याल उतारते हैं, तो वहीं से आपको सुजुकी, वहाँ से ही जो है ना मतलब जहाँ से आपको न्याजी एक्सप्रेस उतारते हैं या उनका जो अड्डा है या स्टॉप है, वहीं से आपको जो है ना कैरी डब्बा मिल जाता है नथिया गली के लिए, तो आप वहाँ से नथिया गली जा सकते हैं, वहाँ मतलब उनको मतलब फार करें, फिर घूमें, फिर वापसी पे उसी पे आ सकते हैं, उधर से ही कैरी डब्बा फिर दोबारा हायर करके पर हेड वो लेते हैं 200 रुपये, और आप एबटाबाद, और एबटाबाद से फिर अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं या पिंडी या पेशावर, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। ये आप देख लें, ये तकरीबन अभी दिन के हैं 10:15 बजे, 10:15 बजे हैं, और आप देख लें मतलब ये कि कोई इतना रश नहीं है, बहुत ही जो है ना वेल कारपेटेड रोड भी है,
और साथ में जो है ना आपको जो नज़ारे नज़र आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अभी जो है ना बेहतर होने शुरू होंगे, इसलिए कि अभी तो ये जो है ना पथरीले पहाड़ हैं। आगे जो है ना जैसे हम हैदराबाद के करीब होते जाएंगे तो हमको जो सरसब्ज पहाड़ हैं, जैसे आपको सामने एक नज़र आ रहा है, तो ये जो है ना मतलब ये कि अभी इसका सरसब्ज पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है, ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी तो जनवरी का महीना है तो उसकी वजह से ऑलरेडी थोड़ी खून थोड़ी क्या कि ठीक ठाक खून की है और सर्दी है, लेकिन अगर आप गर्मी में भी आते हैं तो हैदराबाद से जैसे करीब होते जाते हैं तो आपको जो है ना मतलब ये कि हवा ठंडी लगनी जाती है। अच्छा, हम ये अभी हवेलिया इंटरचेंज पे जो है ना एग्जिट करेंगे हैदराबाद के लिए। सीधा जो रोड जा रहा है वो मनसेरा की तरफ जा रहा है, मनसेरा बालाकोट काकोट वगैरह साइड पर। अभी हम जो है ना हैदराबाद और हवेलिया के जो है ये एक ही इंटरचेंज है, अभी हम यहाँ पर हो रहे हैं एग्जिट। ये हवेलिया इंटरचेंज है। ये भी हम नथिया गली के रास्ते में ही हैं और अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो हमारा आने वाला है हरनोई। अभी मैं हम पहुंच गए हैं यहाँ पर हरनोई पार्क में और काफ़ी जो है ना मतलब ये कि ठंडा मौसम है और ये वाटर स्ट्रीम अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसका जो है ना अपना ही एक मज़ा है जो कि आपको एक फ्रेशनेस जो है ना उससे भी आपको फील होती है। एक मिनट, ये देखें, यहाँ पे आके जो ये अल्लाह अकबर अभी गिरने वाला था, गिरते ही बचाओ, तो यहाँ पर जो है ना जो ये पानी का शोर है, शायद आपको कैमरे में वीडियो में जो है ना सुनाई दे रहा हो, तो इसमें अजीब सा एक सुकून है, मुझे तो बहुत अच्छा भी लगता है और पसंद भी है। ये देखो सारा जो है ना ठंडा ठंडा पानी और ये इसमें मोस्टली जो है ना ग्लेशियर्स का ही है और ये देखें इसमें जो है ना जिसका जो शोर उभर रहा है तो उस शोर का जो है ना पानी का जो शोर है उसका अपना ही एक मज़ा है। और क्योंकि मैं तो काफ़ी अर्से बाद ही जो है ना बाहर निकला हूँ, अभी तक तो जो है ना 9 to 5 लोग कहते हैं लेकिन मैं कुछ इससे ज़्यादा ही मतलब एक चूँकि बिज़ी रहें, लेकिन यहाँ पर जो है ना मतलब एक अजीब से एक सुकून आपको मिलता है, तो आप भी देखिए और आप भी सुकून लीजिए। ये जब आप हैदराबाद से नथिया गली की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये एक पार्क आता है, हरनोई का इलाका है बेसिकली ये, और मेरे ख़्याल हरनोई पार्क के नाम से ही ये मशहूर है, मतलब यहाँ के नज़ारों को, इसलिए कि अगर आप ये पीछे देखें, जैसा मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आप हैदराबाद के इलाके में इंटर होते हैं पहाड़ी सिलसिला जो है वो सरसब्ज होना शुरू हो जाता है, तो ये चारों तरफ जो है ना सरसब्ज पहाड़ हैं और बीच में हम, ये बच्चों के लिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी कुछ है, जिसमें ये अगर आप देख लें मुख्तलिफ झूले इन्होंने रखे हुए हैं, एक ये है और एक जो है ना उसके पीछे आपको नज़र आ रहा होगा जो व्हील है, और इसका मुख्तलिफ जो है ना मतलब ये कि
काफ़ी कुछ मतलब बच्चों के लिए मतलब टाइम गुजारने के लिए काफ़ी कुछ रखा हुआ है, वीडियो ही बनाता है। नहीं आपकी हालत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और ये जो भाई हैं जो टिकट घर के, तो बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने मुझे एक चार्जिंग पॉइंट दिया, इसलिए पता नहीं मुझे क्या वजह हुआ है, लेकिन मतलब वो बैटरी जो है ना कैमरे की एकदम ड्रेन हो गई फुली, और कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, तो पहले तो मैं डर गया पता नहीं कैमरे में क्या इशू हो गया या क्या, लेकिन अभी ठीक है। तो अब ये भाई के बस हम इधर ही हैं, बच्चे भी झूल रहे हैं, तो आप ही आओगे ना? जी मैं ही आओगे तभी। ये फैमिली पिकनिक पॉइंट के तौर पर जो है ना आप इसको आ सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पर जो है छोटे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। ये एक पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन ये व्हील सा बना हुआ है, इसमें बच्चे घूमते रहते हैं, और बड़ों के जो है ना बैठने की भी जगह है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना सारे मेरी फेवरेट ये जगह हैं, जो पीछे पहाड़ हैं, नीचे वाटर स्ट्रीम चल रहा है, तो वो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर जो मैंने अभी आपको कहा है कि जो पानी की लहरों की एक आवाज़ जो होती है, अगर आप इससे लास्ट टाइम मैं गया था उसकी वीडियो, तो उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, 2018 में कश्मीर में एक जगह हमने स्टे किया था, तो हमारा जो स्टे था उसमें जो जहाँ पर हम खाते थे या पीते थे वो बिल्कुल जो है ना दरिया नीलम के किनारे था, कमरे ज़रा हमारे थोड़े से ऊंचाई पे थे, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस ही था, 30-35 मिनट की भी वॉक नहीं थी, उससे भी कम थी। तो हम क्या करते थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है ना ख़ास कर जब आप रात को सोते भी हैं तो कमरे में जो है ना आपको वो जो पानी की आवाज़ है लहरों की वो आपको आती है, तो उसका जो है ना एक अजीब सा जो है ना एक वो कहते हैं मिसपराइजिंग सा मतलब एक मज़ा होता है, और काफ़ी जो है ना बंदा इंजॉय करता है। अब ये भाई जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना मतलब हम लोगों के लिए आए हुए हैं, जिसमें ये जो है ना इन्होंने ये देखें ये एयर गन्स वगैरह इन्होंने रखी हुई हैं, साथ में जो है ना गुब्बारे रखे हुए हैं, तो मतलब ये कि बच्चे बाज जो अपने निशाने को जो है ना आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है। और मैं फिर आ गया हूँ वहीं पे जहाँ से स्टार्ट लिया था, ये तो वही जहाँ है, क्या कहते हैं, ये तो वही जगह है पिछड़े थे हम जहाँ से, तो यहाँ पर ये पत्थर हैं, स्लिपरी हैं, मैंने जॉगर्स वगैरह तो नहीं पहने, तो ज़रा मज़े की जगह है। मज़े की चीज़ क्या है, जब इन चट्टानों पे पानी जो है ना ज़ोर से, चूँकि प्रेशर होता है तो प्रेशर से लगता है, तो वो उछलता है और पानी जो है ना फिर जब गिरता है तो उससे जो एक आवाज़ पैदा होती है उसका जो है ना एक अपना ही सरूर है, नशा है।